पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शासन के निर्देशानुसार मुरादाबाद जिला प्रशासन द्वारा मदरसा सर्वे का कार्य पूर्ण कर सर्वे रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। सर्वे में 585 मदरसे ऐसे सामने आए हैं जो बिना पंजीकरण के संचालित किए जा रहे थे। इन गैर पंजीकृत मदरसों की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। मदरसे की रिपोर्ट के संबंध में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मदरसों के सर्वे के लिए बनाई गई जांच टीम द्वारा जिले में संचालित मदरसों के संबंध में जानकारी दी गई है। जनपद में कुल 585 मदरसे गैर पंजीकृत रूप से चलते हुए सामने आए हैं। इससे संबंधित रिपोर्ट शासन को निर्गत करा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद शहर क्षेत्र में संचालित मदरसों में 175 मदरसों का पंजीकरण नहीं था, जबकि देहात क्षेत्र में ऐसे मदरसों की संख्या 57 पाई गई है। जनपद की तहसील बेलारी क्षेत्र में 123, कांठ में 48 और ठाकुरद्वारा में 182 मदरसे बिना पंजीकरण के संचालित किए जा रहे थे। इस संबंध में जांच कमेटी द्वारा रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को सौंप दी गई और जिलाधिकारी द्वारा सर्वे रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। अब अग्रिम निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो शासन के निर्देश थे उसके तहत जो अपंजीकृत मदरसे हैं उनका सर्वे कराया गया है और 585 मदरसे ऐसे हैं जो अपंजीकृत हैं, उनकी जो निर्धारित प्रारूप था उस पर सूचना बना करके शासन को प्रेषित की गई है और जैसा शासन आगे निर्णय लेगा उसके अनुरूप आगे उसमें हम लोगों के स्तर से कार्य।